प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एडु प्राइड ऑनलाइन एजुकेशन पर। मेरा नाम है संदीप सिंह फलसवाल, आप मेरे साथ कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। बच्चों, आज हम एक और क्लास लेके आए हैं जिसका नाम है वर्धन डायनेस्टी, वर्धन काल, वर्धन पीरियड। ओके, वर्धन वंश जो है इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। अब की बार CHSL में क्वेश्चन आ चुका है पुष्यभूति वंश किसको बोला जाता है, वर्धन वंश को। आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी रूलिंग किसने किया, रूल किसने किया गुप्ता डायनेस्टी के बाद में, वर्धन डायनेस्टी। बच्चों, वर्धन डायनेस्टी यानी वर्धन वंश की राजधानी होती थी कौन सी, सबसे पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में थानेश्वर। ओके, देखो हालांकि इस समय तक आते आते कन्नौज जो है भारत की एक ऐसी जगह बन चुकी थी जिस भी राजा का कंट्रोल कन्नौज पे होता वो पूरे भारत का सबसे पावरफुल रूलर समझा जाता था, सबसे पावरफुल शासक समझा जाता था, जिसका जिसका कंट्रोल किस पर होता, कन्नौज पर होता। ओके, लेकिन इन राजाओं का यानी थानेश्वर जो कैपिटल है, थानेश्वर कैपिटल है वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश का कंट्रोल हरियाणा में थानेश्वर से स्टार्ट होता है बट कन्नौज पे नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कन्नौज के राजा के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी, जिससे रिश्तेदारी हो गई, संबंध बन गए, ठीक है ना, यानी सत्ता में आ गए। बट क्या होता है उससे पहले और उस पीरियड में जो होता है, पूरा जो वर्धन डायनेस्टी जो चलती है उसका एक सीक्वेंस बनता है, बहुत इसमें वोर हैं, लड़ाइयां हैं, तो इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा एक ग्राफ बना के समझाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वर्धन डायनेस्टी। ओके, देखो बच्चों, वर्धन डायनेस्टी यानी वर्धन वंश, फाउंडर कौन है बच्चों, पुष्यभूति, पुष्यभूति, ये तो होंगे फाउंडर। लेकिन वर्धन वंश में प्रथम पावरफुल रूलर कौन है, प्रभाकर वर्धन एंड हिज वाइफ यशोमती। ओके, इनके तीन संतान थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। ओके, कैपिटल कौन सी थी, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ये कैपिटल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में थानेश्वर, ये इनकी राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होता है, राजश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से कर दी जाती है, ठीक है ना, यानी सत्ता में ये रहे। ग्रह वर्मा कहां का राजा था, कन्नौज का, ठीक है ना, तो यानी कन्नौज से भी इनके लिंकअप रहते हैं, इनकी दोस्ती रहती है, क्योंकि अपनी लड़की की शादी वे कन्नौज के राजा से करते हैं। तो हुआ क्या, अब ग्रह वर्मा की दुश्मनी थी मालवा के राजा से जिसका नाम था देवगुप्त, ठीक है, तो देवगुप्त ने ग्रह वर्मा को मार दिया, ठीक है ना, और देवगुप्त को मार दिया राज्यवर्धन ने, और राज्यवर्धन को मार दिया शशांक ने। अब ये शशांक कौन है बच्चों, जो शशांक है, जो शशांक है वो है पश्चिम बंगाल का रूलर, वेस्ट बंगाल के रूलर हैं शशांक, जिनको बोलते हैं गोड वंश के शासक, गोड रूलर, कौन, शशांक। तो शशांक ने किसको मार दिया, राज्यवर्धन को, ठीक है, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बात आई समझ में, कन्नौज को राजधानी बनाया शशांक के ऊपर। अब की बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोधि वृक्ष को काटने वाले रूलर कौन है, बोधि वृक्ष यानी बोधि ट्री, वो ट्री जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो बोधि वृक्ष को काटने वाले शासक कौन थे, शशांक। ये क्वेश्चन अब की बार एसएससी सीजीएल में बच्चों पूछा गया था आपसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। बात आई समझ में, हर्षवर्धन जो कि छोटा बेटा था किसका, प्रभाकर वर्धन और यशोमती का, ठीक है, मैं इसका एक ग्राफ बना के आपको समझा देता हूं जैसे कि आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हो। जैसे प्रभाकर प्रभाकर वर्धन और इसकी पत्नी होती यशोमती, इनकी तीन संतान होती हैं, राजवर्धन, राज
श्री और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ओके, तो राजश्री की जो शादी है वो किससे होती है? वो शादी होती है कन्नौज के राजा से, ग्रहवर्मा से, ग्रहवर्मा से। ठीक है, अब ग्रहवर्मा को मार देता है कौन? इसकी शादी, राजश्री की शादी ग्रहवर्मा से, ग्रहवर्मा का मर्डर कर दिया जाता है किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा, देवगुप्त जो कि मालवा के राजा हैं, इसका मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और देवगुप्त क्या होता है फिर? जो कन्नौज होता है उस कन्नौज पर अपनी कैपिटल कौन बनाता है? देवगुप्त, जो कि मालवा नरेश है, ठीक है ना। और राजश्री को उठा के वो जेल में डाल देता है, कैद में। इससे क्या होता है, जो राज्यवर्धन है वो फिर देवगुप्त को मार देता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है। ओके, और देवगुप्त का एक मित्र होता है शशांक, जो है वो शशांक जो है भाई वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। यहां तक ये स्टोरी बनती है, उसके बाद लास्ट में अभी बचा हुआ है हर्षवर्धन। तो फिर से मैं बता रहा हूं, प्रभाकर वर्धन, वर्धन डायनेस्टी में बहुत ही पावरफुल रूलर हैं। उसकी पत्नी का नाम है यशोमती, तीन बच्चे होते हैं राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कन्नौज के राजा से की जाती है, ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा को मार दिया जाता है देवगुप्त के द्वारा, देवगुप्त को मारा जाता है राज्यवर्धन के द्वारा, और राज्यवर्धन का मर्डर किया जाता है शशांक के द्वारा, और शशांक को मार देता है फिर लास्ट में हर्षवर्धन, जो कि 606 ईस्वी में 16 वर्ष की एज में ही राजा बनता है। राजा बनता है तो गद्दी पे बैठता थानेश्वर की, ओके, 16 वर्ष की एज में। लेकिन शशांक को हराकर फिर ये कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन बच्चों 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रूलिंग टाइम रहता है इसका। कैपिटल जो है हर्षवर्धन की, जो गद्दी पर बैठा, कोरोनेशन हुआ तो थानेश्वर पे हुआ, लेकिन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है शशांक को हराने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासन काल की जो नॉलेज है, इसकी जानकारी बाण भट्ट के जो बुक्स है, उनका जो लिटरेचर है, उससे प्राप्त होती है, ठीक है। बाण भट्ट इसके कोर्ट में पोएट है, इसका दरबारी कवि है बाण भट्ट। हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है थानेश्वर से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में वल्लभी गुजरात तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन का राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी जगह पर था, कश्मीर पे इसका राज हर्षवर्धन का नहीं था, और साउथ इंडिया में नर्मदा नदी के नीचे भी इसका कंट्रोल नहीं था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन 621 ईस्वी में अपने दूत, अपने एम्बेसडर चाइना भेजता है, और चाइना से भी 643 में और 646 में दो एम्बेसडर चाइना के भी यहां पर आते हैं इसके दरबार में। होता यह है, हर्षवर्धन जो है, जो स्टार्टिंग में सूर्य भगवान को मानता है, शिवजी को मानता है, बाद में एक युद्ध वो जरूर हार जाता है नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशन सेकंड से। पुलकेशन सेकंड से हर्षवर्धन युद्ध हार जाता है नर्मदा नदी के किनारे 621 ईस्वी में। उसके बाद वो बौद्धिज्म को फॉलो करता है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट और वो देखिए आप। हर्षवर्धन ने कश्मीर के राजा से महात्मा बुद्ध के जो दांत हैं, जो टिथ के अवशेष जो हैं, वो प्राप्त किए थे। महात्मा बुद्ध के दांतों के दंत अवशेष कश्मीर के राजा से प्राप्त किए थे, और महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के दो पार्ट हुए थे, मैंने आपको पढ़ाया था बौद्धिज्म की जो क्लास ली थी, महायान और हीनयान। तो हर्षवर्धन उनमें से किसको फॉलो करता है? महायान को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री हवेन सांग ये बताता है कि हर्ष की राजकीय जो आय थी, उसकी जो इनकम थी हर्षवर्धन की, उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करता था हर्षवर्धन। एक उसका फर्स्ट जो उसका पार्ट था वो राजा के लिए रखा जाता था, दूसरा पार्ट विद्वानों के लिए रखा जाता था, तीसरा पार्ट उसके अधिकारियों के लिए सैलरी का होता था, और उसका जो लास्ट पार्ट था वो होता था उसके धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन के शासन काल में ही एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम होता है हवेन सांग, ठीक है। हवेन सांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत रहता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के लिए
शिक्षा ग्रहण करता है बौद्धिज्म की और यहां पढ़ता है, ठीक है ना, और यहां से कुछ ग्रंथ कुछ बुक्स यहां से अपने साथ लेकर जाता है। अच्छा, हवेन सांग को बच्चों श्वेंत सांग भी नाम दिया जाता है। देखो मैं दूसरा नाम इसका बता रहा हूं, श्वेंत सांग, श्वेंत सांग, ठीक है ना, मैं फिर से नोट कर देता हूं, श्वेंत सांग, श्वेंत सांग, ये हर्षवर्धन का ही नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन को विद्वानों का संरक्षक कहा जाता है कि इसके टाइम में बहुत सारे विद्वान थे, एजुकेटेड पर्सन थे और उनका ये बहुत सम्मान करता था, अपने साथ रखता था, ठीक है ना। और हर्षवर्धन विद्वानों का तो संरक्षक था ही, साथ में ऐसा भी माना जाता है कि हर्षवर्धन ने भी तीन रचनाएं लिखी थी, जैसे कि कौन सी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन खुद भी माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, हवेन सांग विद्वानों को संरक्षण दिया था। अब बाणभट्ट जो कि इसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट की भी दो रचनाएं मेन हैं, जो कि अब की बार CHSL में ये क्वेश्चन आ चुका है और DSSSB में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, जो लिटरेचर है उसका, उसमें हर्षचरित और कादंबरी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं बाणभट्ट की, जो उसका दरबारी कवि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्ष दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया उसको नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशन सेकंड, जो कि एक चालुक्य वंश का राजा है, पुलकेशन सेकंड, ठीक है, ये साउथ की डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी, इसका राजा है पुलकेशन सेकंड, तो इसके द्वारा नर्मदा नदी के किनारे उसको हरा दिया जाता है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग मैंने बताया कि हर्षवर्धन जो है वो सूर्य भगवान, शिवजी भगवान को मानता है, लेकिन जब वो नर्मदा नदी के किनारे उसका युद्ध हार जाता है पुलकेशन सेकंड से, तो हवेन सांग से वो बाद में बौद्धिज्म की शिक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा लेता है और पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपनाता है, यानी बाद में वो बौद्ध बन जाता है, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन को ऐसे भी कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियन कुछ इतिहासकार ऐसे भी बोलते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन था, ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बोलते कि हिंदू शासक कहां से रहा, क्योंकि उसने बौद्धिज्म फॉलो किया। अच्छा, पूरे भारत का हम उसको शासक बोल नहीं सकते, क्योंकि नर्मदा नदी के नीचे साउथ इंडिया में उसने रूल कभी किया नहीं, क्योंकि पुलकेशन सेकंड ने उसको वहीं पर उसको हरा दिया था युद्ध में, ठीक है ना। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में उसका रूल नहीं था, ठीक है ना, बट फिर भी हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़ा ताकतवर शासक माना जाता है। बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, मैं ऐसा समझता हूं, और DSSB SSC CGL में यहां से बाणभट्ट का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, हर बार बाणभट्ट का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम खत्म करते हैं, और अगली क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, जो कि होगी भारत पर पहला मुस्लिम अटैक कब होता है, ठीक है, उसके बाद तुर्की आक्रमण होगा जिसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो अगली क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, और इस अगली क्लास के लिए जल्दी से जल्दी आपके पास एक क्लास आए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप ये क्लास देख रहे थे संदीप सिंह फलसवाल के साथ, स्पेशल हिस्ट्री और ज्योग्राफी टीचर। थैंक यू बच्चों।